सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ठीक एन पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के ऐलान से खुद कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा चौंक गई है। देखिए बड़ी बातें आपको बताते हैं, दो दिन पहले जयराम रमेश से नाराजगी जो है वो जाहिर की गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के लगातार संपर्क में थे और दो दिन पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जो है सीट को लेकर जाहिर भी की थी। इतना ही नहीं, जयराम रमेश से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की बात जो है वो कही गई थी। लगातार ये कहा जा रहा था जयराम रमेश की तरफ से कि आपको जो है न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए मैं वहां पे जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग कंपटीशन हो सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना उद्धव गुट मुंबई दक्षिण सीट पर दावा ठोक चुकी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये तो सीट हमारी है, लेकिन ऐसे में मिलिंद देवड़ा का कहना है कि वो सीट पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई दक्षिण सीट जो है वो देवड़ा परिवार की परंपरागत सीट रही है और इसीलिए लगातार मिलिंद देवड़ा चाहते थे कि वो उसी सीट से जो है चुनाव लड़े। देखिए इतिहास कहता है 2004 या 2009 की बात करें, मुंबई दक्षिण सीट से जो है मिलिंद देवड़ा चुनाव जीत चुके हैं और इसीलिए वो दावा लगातार ठोक रहे थे। पिता मुरली देवड़ा की बात करें तो वो भी मुंबई दक्षिण से 4 बार एमपी रखे हैं, परिवार जो है वो लगातार इसी सीट से चुनाव जीतता रहा है। जयराम रमेश के जरिए राहुल गांधी तक वो बात अपनी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आज से न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बात जो है वो पूरी कांग्रेस में देखिए पहुंच चुकी है कि आखिर किस तरीके से दो दिन पहले जयराम रमेश से मुलाकात होती है, लेकिन बावजूद इसके कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की, राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे, राहुल गांधी के साथ युवा नेताओं की फौज के एक बड़े चेहरे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने अब उन्हें खरी खोटी सुनानी कर दी, शुरू कर दी है। क्या कहते हैं अब कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये भी सुनिए। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, मिलिंद देवड़ा ने जिस तरह से आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली और आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया है पार्टी से, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। मिलिंद देवड़ा चुनाव में जीते थे, मंत्री बनाए गए थे, यांग ब्रिगेड के नाम पे सब कुछ दिए गए। अभी वो ये लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी कुछ देने नहीं पाएंगे, चलो भागे और क्या। ये भगोड़े के लिए हम क्या बताए, भगोड़े ये भगोड़े मतलब और क्या होते हैं। नागपुर में कांग्रेस में थे, मणिपुर में आपने तो सुनते कि कांग्रेस से बात गए, तो आपसे कुछ कहा था उन्होंने? नहीं नहीं, कुछ कहा नहीं था। वो कहा था कि कांग्रेस को हम मजबूत करना है महाराष्ट्र में, ये कहते। और ये तब बेहद अहम है जब आज से राहुल गांधी एक नई यात्रा देश में शुरू करने जा रहे हैं, उनके करीबी साथी रहे मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया, तो बीजेपी के नेता इसे बेहद अहम मुद्दा बना रहे हैं और इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया भी सुनिए। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। यही कांग्रेस दल ने 22 जनवरी के हमारे रामलल्ला के निमंत्रण को नकारा। ईश्वरीय दंड कहे या विधि का विधान कहे, अब कांग्रेस नेता, इनके घर के लोग इन्हें नकार रहे।